दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आज एक नई फ्रेंच मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है AK या फिर दोस्तों AKA बोल सकते हैं इसे, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम है। मूवी को दोस्तों हिंदी डब में भी रिलीज किया गया है, तो मूवी के वो क्यों देखना चाहिए, अच्छी है या बुरी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मूवी की ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो मूवी की ड्यूरेशन दोस्तों लगभग 2 घंटे की है और एक एक्शन क्राइम फिल्म है, तो हाँ एक्शन लवर के लिए सही चीज़ है। बात करें दोस्तों मूवी की स्टोरी के बारे में, तो कहानी में हमें देखने को मिल रहा है एक एडम जो कि बहुत ज़्यादा एक ट्रेन एजेंट है, और दोस्तों वो जो है पता लगा रहा है क्राइम सिंडिकेट को चलाने वाले इंसान का, और उसे दोस्तों वो तोड़ना चाहता है, उनके खिलाफ वो लड़ता भी है। लेकिन दोस्तों जो बॉस है उनका, उनके बेटे के साथ भी दोस्तों उसकी फ्रेंडशिप यानी कि बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी स्टोरी हमें मूवी में देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, इस एक्शन मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं। एक्शन के बीच दोस्तों वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है आपको देखने में, तो ओवरऑल दोस्तों वो सारी चीज़ें एक्शन के साथ बहुत अच्छा मैनेज, बहुत अच्छी फिक्स हुई है, तो आप सभी को देखने में वो चीज़ तो मज़ा आ जाएंगी। हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी इसकी नेक्स्ट लेवल की है, ऐसा नहीं कि दोस्तों फ्रेंच मूवी है तो हिंदी डबिंग की क्वालिटी ऐसी ठंडी है, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया हिंदी डबिंग की क्वालिटी है। एक्शन सीन्स आपको कुछ कुछ बहुत ज़्यादा सुपर लगेंगे जो कि क्लाइमेक्स में दिखाया गया है। मूवी की ड्यूरेशन 2 घंटे की है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत लंबी फिल्म देख रहे हैं। इसकी स्टोरी इस लायक ज़रूर है कि आपको एंड तक जोड़ के रखे। दोस्तों मेरे हिसाब से एक एवरेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस यही है मेरा रिव्यू, आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में कमेंट में बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।